Hey guys, good evening. Welcome to my new vlog. Congratulations to Pakistani team and Pakistani fans. Pakistan ne South Africa ke khilaf jo match tha wo win kar liya hai aur 33 run se win kiya hai. Uske jo standing hai wo number 3rd pe aa gaya. Number 1 pe India, phir South Africa, phir jo hai Pakistan. Pakistan ka abhi bhi bahut zyada chances hai kyunki abhi Pakistan ka ek match pada hai Bangladesh ke sath aur South Africa ka ek match pada hai Zimbabwe ke sath. India ka ek match pada hai Zimbabwe ka match jo hai वो इंडिया के साथ है और जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो नैदरलैंड के साथ है. होप सो के पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा करेगा अल्लाह पाक. सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने जो है बहुत अच्छी बैटिंग की. फर्स्ट जो ओवर से सिक्स ओवर उसमें तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुई. रिजवान चले गए बोल्ड होके, फिर बाबर चले गए, फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस ने कमाल की बैटिंग की. उसने 3 छक्के और 2 चौके लगाए. उसने थोड़ा सा स्टैंड लिया. उसके बाद जो इफ्तिखार और शादाब की बैटिंग थी, दोनों ने ब्रिलियंट बैटिंग की और दोनों की 50 जो है पाकिस्तान को 180 प्लस के टारगेट तक लेके गई. तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको डिफेंड किया इस टारगेट को. और जो पावर प्ले के बाद जो बारिश आई उसके साथ ही DLS मेथड के साथ जो है साउथ अफ्रीका को 14 ओवर्स में जो है 134 आई थिंक सो रन्स बनाने थे. तो जो है साउथ अफ्रीकी बैटिंग जो है कोलैप्स होती गई वन बाय वन. जैसे ही उनके जो उनका कैप्टन और जो मार्करम था एडम मार्करम वो आउट हुआ तो उसके साथ ही साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है कोलैप्स करना शुरू कर गई. तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने जो है 9 विकेटें ली साउथ अफ्रीका की और 33 रन से उसने जो है अपना दिफा किया है. तो होप सो बहुत अच्छा लगा ये मैच देख के क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है मिडल ऑर्डर वो उसने रन्स बनाना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने. सो गाइस ये सिचुएशन थी पाकिस्तान की स्टैंडिंग की इस ग्रुप में जो पाकिस्तान नंबर 3rd पे आ गया है. अगर एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप में नंबर 4th तक जो है स्टैंडिंग नहीं लेता तो अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा. तो इस निस्बत से भी पाकिस्तान जो है इसका मैच ये जीतना बहुत अहम था क्योंकि पाकिस्तान को जो है नंबर 4th तक स्टैंड करना था. अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 3rd पे वो आ गया है. लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ये मैच हार जाता तो पाकिस्तान जो है क्वालिफाइंग राउंड खेलता अगले नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए. तो इसी के साथ ही जो है पाकिस्तान ने विन किया बहुत अच्छा नेक्स्ट मैच के लिए जो कि बांग्लादेश के खिलाफ है. उसके लिए भी अल्लाह ताला से हम दुआएं करेंगे कि जो है पाकिस्तान अच्छा विन करे क्योंकि जो इस वक्त की स्टैंडिंग है साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे है लेकिन उसका रन रेट भी पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा है. तो इसी निस्बत से पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश के खिलाफ मैच जो है अच्छे रन रेट से जीतना पड़ेगा ताकि जो पाकिस्तान मैच है अगर वो जीत जाता है और साउथ अफ्रीका को अगर बारिश की वजह से या मैच हार जाता है तो उसको उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा. लेकिन अगर बारिश की वजह से उसको 1 पॉइंट मिलता है तो उसकी वजह से ना रन रेट को देखा जाएगा. जिसका रन रेट ज़्यादा होगा क्योंकि पॉइंट होंगे सेम, साउथ अफ्रीका के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे बारिश के साथ और पाकिस्तान के भी. तो इसके साथ रन रेट पाकिस्तान को बहुत अच्छा करना पड़ेगा. सेमी फाइनलिस्ट जो बनेगा उसको रन रेट ही देखा जाएगा, उसकी निस्बत से वो जो है क्वालिफाई करेगा सेमी फाइनल के लिए. अच्छा गाइज जो है पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे, ओपनर जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की, वो नंबर 1 जो है पिछले वर्ल्ड कप नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी थी पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था ना दुबई में. तो वो ICC ने उसको डिक्लेयर किया कि इस T20 वर्ल्ड कप 2021 की नंबर 1 जोड़ी है बैटिंग ओपनर की. तो इस वर्ल्ड कप में दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुए हैं. मोहम्मद रिजवान की बैटिंग नहीं हो रही और हमारा कैप्टन बाबर आजम वो तो बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है. वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है. उसको चाहिए था कि वो स्टैंड लेता और अच्छी कैप्टेंसी करता लेकिन अपनी जगह किसी और को प्रमोट करता ओपनिंग में. लेकिन उसने वो नहीं कर रहा, वो क्रिटिसिज्म जो लोग उस पर कर रहे हैं वो उसको कुछ घास नहीं डाल रहा. तो उसको चाहिए कि अच्छी कैप्टेंसी कर रहे पाकिस्तान के लिए, उसने फैसले लेने अपने लिए नहीं लेने. तो अच्छी कैप्टेंसी करे, अगर उससे रन्स नहीं हो रहे ओपनिंग में उसके आउट होने से ही पाकिस्तान जो बैटिंग है कोलैप्स हो जाती है. जो है स्टार्ट में ही पाकिस्तान पर प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है. तो इसको चाहिए कि अच्छी जो है कैप्टेंसी करे पाकिस्तान के लिए और किसी और को, जैसे मोहम्मद हारिस उसने ग्रेट बैटिंग की है. उसने 3 छक्के और लंबे लंबे छक्के और 2 चौके जो लगाए हैं. अर्ली ऑन 8 बॉल्स पे 22 रन उसने बनाए हैं. तो कमाल की बैटिंग किया, उसको ओपनिंग भेजना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा हार्ड हीटर है.
पाकिस्तान को बाबर आजम को चाहिए कि अच्छी कैप्टनसी के साथ ना किसी और को प्रमोट करे और खुद को जो है वन डाउन या टू डाउन सेकंड डाउन पे लेके आए। ये आज का हमारा व्लॉग था, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।